गुड मॉर्निंग क्लास 11। आर टुडेज टॉपिक इज एंजियोस्पर्म। आज एंजियोस्पर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एंजियोस्पर्म के जनरल फीचर्स क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। और इससे पहले मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में बताया था। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं एंजियोस्पर्म के, कि उनमें एबिलिटी होती है टू बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो फ्रूट भी रखते हैं और फ्लावर्स भी रखते हैं। और जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट फेज होती है उनकी लाइफ साइकिल में, एंड इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और वैस्कुलर बंडल्स वेल डेवलप्ड होते हैं। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म वैस्कुलर बंडल्स आर वेल डेवलप्ड। जाइलम में वेसल्स होते हैं, और फ्लोएम में आपके सीव ट्यूब होते हैं और कंपेनियन सेल। द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या होता है कि उनमें फ्लावर की प्रेजेंस होती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्टेमेन एंड गायनोशियम पार्ट, दैट इज द पिस्टल। और फ्लावर्स जो होते हैं वो पॉलिनेट होते हैं विंड से, वाटर से, इंसेक्ट से और अदर एनिमल से। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट करता है मेल गैमिटोफाइट, एंड द ओव्यूल रिप्रेजेंट द फीमेल गैमिटोफाइट। ओव्यूल्स ऑलवेज एनक्लोज्ड इन द ओवरी। एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होते हैं वो हमेशा ओवरी के अंदर होते हैं, एंड दे गिव राइज टू सीड, और उनसे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। द सीड्स रिमेन एनक्लोज्ड इन द राइपेंड ओवरी, और सीड्स हमेशा एनक्लोज्ड होते हैं राइपेंड ओवरी में, जो फॉर्म करते हैं फ्रूट। द फिनोमेना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजियोस्पर्म। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है एंजियोस्पर्म का। एंड द एंडोस्पर्म डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज अ ट्रिप्लॉयड। और उसके बाद जो एंडोस्पर्म बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड नेचर का होता है। और हम एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। दैट इज, एक आपके डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं जिन्हें हम डाइकॉट भी कहते हैं, दैट इज मैग्नोलोप्सिडा, और दूसरे होते हैं लिलियोप्सिडा, दैट इज मोनोकॉटिलेडन प्लांट, जिन्हें हम मोनोकॉट्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।